हेलो एवरीवन मैं अनीता ठाकुर और आज का टॉपिक है हमारा द साल्ट मार्च ठीक है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साल्ट मार्च के बारे में जो कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट करी थी क्योंकि महात्मा गांधी को साल्ट एक बहुत ही पावरफुल सिंबल मिल गया था जिससे कि वो क्या कर सकते थे पूरे नेशन को यूनाइट कर सकते थे मतलब पूरे नेशन को इकट्ठा कर सकते थे तो अब यहाँ पे क्या हुआ थर्टी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन थर्टीज़ में देखा गया गांधी जी ने एक लेटर लिखा किसको वाइस रॉय इरविन को ठीक है जिसमें उन्होंने क्या किया था एलेवन डिमांड्स जो थी वो लिखी हुई थी और ये 11 डिमांड्स जो थी वो लोगों के वेलफेयर के लिए थी ये उनमें से कुछ डिमांड्स जो थी वो जनरल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ सामान्य Uh, मतलब uh, रुचि की थी या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिसकी जनरल नेसेसिटी थी तो उनको फुलफिल करने वाली थी और कुछ जो थी वो स्पेसिफिक डिमांड्स थी स्पेसिफिक डिमांड्स का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसी डिमांड्स थी जो पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करती थी जैसे एससी से बिलोंग करती थी पीजेंट्स से बिलोंग करती थी वर्कर्स से बिलोंग करती थी वर्कर्स को वेजस कम प्रोवाइड करी जाती थी पीजेंट्स को टैक्सेशन देनी पड़ती थी लैंड रेवेन्यू प्रोवाइड देना पड़ता था ठीक है और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया ये जो आइडिया था वो डिमांड्स को मतलब क्यों बताई गई थी ये इलेवन डिमांड्स ताकि सभी क्लासेस को एक ही इंडियन सोसाइटी में बांध के रखा जा सके और जिससे हम लोग इंडियन सोसाइटी को एक ही स्ट्रक्चर में लेके आएं आएँ उनकी एक ही प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो उनका इंटरेस्ट जो है वो सिमिलर हो जाए और हर कोई एक ही साथ में आके एक यूनाइटेड कंपेन करे एक मास्क कंपेन करे और जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सभी एक साथ सामने आए क्लियर है फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया सबसे बड़ी डिमांड ये थी गांधी जी की जो इलेवेंथ डिमांड में से कुछ सबसे इम्पोर्टेंट जो कि क्या कर सकती थी पूरे नेशन को यूनाइट कर सकती थी वो डिमांड थी डिमांड टू एबॉलिश था साल्ट टैक्स जो भी नमक के ऊपर कर लगाया जा रहा था मतलब नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा था उसको हटाने की बात करी थी ये सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड थी उस टाइम की और ये क्यों क्यों साल्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि साल्ट को रिच लोग भी कंज्यूम करते हैं और पुअर लोग भी कंज्यूम करते हैं है ना और ये इतनी एसेंशियल आइटम थी इसके अलावा फूड जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो सकती है मतलब इसके बिना साल्ट के बिना कोई भी फूड को कभी भी कंज्यूम नहीं कर सकता है मतलब रिच की भी ये नेसेसिटी है और पुअर की भी ये नेसेसिटी है सो गांधी जी को ये लगा कि हमारी मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के लिए साल्ट कहीं ना कहीं हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है तो हम लोग को सबसे पहले क्या कराना होगा इंडिया को टैक्स फ्री करवाना होगा मतलब साल्ट टैक्स से फ्री करवाना होगा अब यहाँ पे क्या बताया गया उन्होंने लोगों को ये अवेयरनेस प्रोवाइड करी लोगों को अवेयर किया लोगों को साल्ट टैक्स के बारे में थोड़ी सी हम लोग बोल सकते जर्नल अवेयरनेस प्रोवाइड करी जो बताया गया कि गवर्नमेंट मोनोपोली जो है किसके ऊपर जो प्रोडक्शन के ऊपर किसके प्रोडक्शन के ऊपर हो रही है साल्ट के प्रोडक्शन पर जो भी मोनोपोली चलाई जा रही है मोनोपोली का मतलब क्या होता है बच्चे मोनो का मतलब होता है सिंगल और पली का मतलब होता है मार्केट ठीक है तो ये जो सिंगल मार्केटिंग जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही थी गांधी जी ने लोगों को बताया कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमें एक ऑप्रेसिव मतलब ऑप्रेस करके रख रही है तो ब्रिटिशर्स का ये ऑप्रेसिव फेस जो था वो हम लोग को गांधी जी ने थ्रू साल्ट टैक्सेशन एबॉलिशन करने की डिमांड के थ्रू हमें ये चेहरा जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो दिखाया था क्लियर है फिर उसके बाद गांधी जी का ये जो लेटर था उसमें गांधी जी ने वॉइस रॉय इरविन को एक अल्टीमेटम दिया एक टाइम पीरियड दिया कि अगर आपने हमारी डिमांड्स जो हैं वो 11 मार्च 1930 तक फुलफिल नहीं की तो हम लोग क्या करेंगे जो डिमांड्स कहाँ लिखी गई थी लेटर में लिखी गई थी तो कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या कर देगी सिविल डिसोबीडियंस कंपेन जो है उसको लॉन्च कर देगी लेकिन इरविन जो थे वॉइस रॉय इरविन उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि मुझे इनके साथ निगोशिएट नहीं करना है तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये मुझे क्या करना होगा मुझे ये स्टेप जो है वो टेकन करना होगा इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया फेमस साल्ट साल्ट मार्च जो है उसको स्टार्ट कर दिया और गांधी जी के साथ कितने फॉलोवर्स थे गांधी जी के साथ उनके ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स जो थे वो सेवेंटी एट थे मतलब उनके सेवेंटी एट फॉलोवर uh, बोल सकते हैं डिसिपल्स बोल सकते हैं या ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स बोल सकते हैं या फिर हम लोग कॉमन सेंस में बोलें तो उनके साथ सेवेंटी एट परसेंट जो थे उन्होंने भी इस मार्च में उनका साथ दिया था क्लियर है देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया ये जो साल्ट मार्च थी ये जो मार्च थी वो कितनी माइल्स तक चली गई टू फोर्टी माइल्स जो थी वो चली गई थी और गांधी ये स्टार्ट कहाँ से हुई गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती आश्रम जो कि कहाँ पे था गुजरात के कोस्टल टाउन डांडी जिसको कहा जाता था वहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये जो वॉल्टियर्स थे गांधी जी और उनके वॉल्टियर्स मतलब उनके डिसिपल्स उनके विद्यार्थी उनके फॉलोअर्स उनके फ़ैन जो थे उन्होंने ट्वेंटी फोर डेज़ तक क्या किया था इस मार्च को कॉन्टीन्यूसली वॉक किया था मतलब वो चले थे ट्वेंटी फ़ोर डेज़ और वो हर एक दिन में कितना चलते थे टेन माइल्स चलते थे मतलब दस माइल वो एक दिन में चलते थे और उसके बाद जहाँ पर भी गांधी जी वो रुकते वहाँ पर गांधी जी को सुनने के लिए हज़ारों की नंबरिंग में लोग जो थे वो इकट्ठा हो जाते और गांधी जी उनको एक रियल मीनिंग ऑफ स्वराज जो थे वो बताते कि स्वराज का मतलब क्या है सेल्फ रूल मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट और उन्होंने ये भी लोगों को समझाया कि किस तरह से हम लोग पीसफुली ब्रिटिशर्स को यहाँ से उठा के बाहर फेंक सकते हैं देन उसके बाद यहाँ पे और एक और चीज़ बताई गई कि सिक्स अप्रैल नाइनटीन थर्टीज़ में देखा गया कि ये जो डांडी ये जो मार्च थी वो कहाँ पहुँच गई डांडी पहुँच गई और वहाँ पर उन्होंने क्या किया जहाँ पर साल्ट की प्रोडक्शन होती थी वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लाज को वायलेट भी किया मतलब ब्रिटिश ला का जो मतलब आ, हम लोग बोल सकते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको वहाँ पर तोड़ दिया ठीक है जो मैन्युफैक्चरिंग थी जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ लिमिट्स लगाई गई होती हैं तो उन लिमिट्स को गांधी जी ने तोड़ दिया था जिससे ये कहा गया कि गांधी जी ने एक मुट्ठी भर नमक जो था वो क्या किया था उठा के वहाँ से फेंक दिया था उन्होंने जिससे कि उन उन्होंने ये किसका साइन दिया था कि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट किया है सो so, इससे एक बहुत बड़ी मोमेंट जो थी वो स्टार्ट हो गई और वो मोमेंट कौन सी थी वो मोमेंट थी सिविल डिसोबिडेंस मोमेंट जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल